अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है मोरक्को इसराइल टाइज। टाइज किसको बोलते हैं? कनेक्शन को बोलते हैं, ताल्लुक को बोलते हैं। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें क्या बात हो रही है, वो कह रहा है कि अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुक नॉर्मल हो रहे हैं। मोरक्को जो है ना, फोर्थ नेशन बन गया है इसराइल के साथ ताल्लुक कायम करने में, जो कि वो कह रहा है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के दौर की ना एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो उन्होंने ये कोलिशन करवाया था अरब और इसराइल के दरमियान में। अब इस एडिटोरियल में वो ये लिखता है कि कहता है इनके बाद ना और भी बहुत से मुस्लिम ममालिक ना इसी रास्ते को फॉलो करेंगे, लेकिन फॉलो किस तरह से करेंगे? फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते हुए। और इसके अलावा इसने और भी जिक्र किया है कि किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि जो सऊदी और इसराइल के दरमियान में खुफिया मीटिंग्स हो रही हैं, और इस चीज़ का भी जिक्र किया है इस एडिटोरियल में कि वो कौन सी रेजिस्टेंस है जिसका इनका सामना करना पड़ेगा, और ये वही रेजिस्टेंस है जो कि एक वाहिद होप है फ़लस्तीन के सवाल का। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। द स्लो बट स्टेडी वेव, कहता है एक कंसिस्टेंट लहर, किसकी ऑफ लगा के बता रहा है? नॉर्मलाइजेशन की, कि तमाम चीज़ों का नॉर्मल होना। अच्छा, किसके दरमियान में? बिटवीन अरब स्टेट्स, अरब स्टेट्स के दरमियान में, एंड इसराइल, इसराइल के दरमियान में। ये जो स्लो वेव है ना, लेकिन लगातार ये जो वेव है, ये जो लहर है नॉर्मलाइजेशन की, कहता है ये रोल्स ऑन है, ये कंटिन्यू है प्रोग्रेस करना। कहता विद किसके साथ? मोरक्को, मोरक्को के बींग होने के, क्या होने के? द फोर्थ नेशन, एक चौथी नेशन। किस चीज़ में? इन रीसेंट मंथ्स, हालिया महीनों में। अच्छा, किस चीज़ में ये है? टू इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश करने के लिए। किस चीज़ को? टाइस को, कनेक्शन को। किसके साथ? विद द ज्यूइश स्टेट, यहूदी स्टेट के साथ था। तो वो ये बात कहता है कि किस तरह से ये कंसिस्टेंट लगातार ये जो लहर है ना नॉर्मलाइजेशन की अरब स्टेट्स के दरमियान में और इसराइल के दरमियान में, ये कंसिस्टेंट है, ये जारी है। कहता मोरक्को के फोर्थ नेशन के होने के साथ ही हालिया महीनों में इस्टेब्लिश करने के लिए कनेक्शन को ज्यूइश स्टेट के साथ। तो अब ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है। ये जो स्लो बट स्टेडी नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है स्लो तो है लेकिन स्टेडी है, मतलब कंसिस्टेंट है, इफ़ेक्टिव एफर्ट्स की जा रही हैं जो कि लीड टू करेंगी सक्सेस की तरफ। मतलब एक कंसिस्टेंट बार बार एक कोशिशें की जा रही हैं जिसकी वजह से वो क्या है, उनको सक्सेस जो है वो मस्ट है। रोल्स ऑन, इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू, जारी रखना, टू मेक प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करना इन सम टास्क और एक्टिविटी, किसी भी टास्क में और एक्टिविटी में, तो इसको बोलते हैं रोल्स ऑन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है, ये नॉर्मल से बना है, मतलब तमाम चीज़ें जो हैं बिल्कुल नॉर्मल, ठीक हो रही हैं, सब मामूल के मुताबिक आ रही हैं। मोरक्को मतलब कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका। द डिवेलपमेंट वॉज अनाउंसड, कहता है ये जो सारी चीज़ थी ना, कि ये जो फोर्थ नेशन है रिसेंट मंथ में, कहता है ये सारी की सारी ये जो हैपनिंग है, ये इंसिडेंट है, ये जो एक ग्रोथ पाई है, ये अनाउंस की गई थी उन ट्यूसडे, ट्यूसडे के रोज़। किसके ज़रिए? ट्विटर के ज़रिए। अच्छा, अनाउंस करने वाला कौन था? वो बाय लगा के बता रहा है, आउटगोइंग, वो जो लीव किया हुआ था, वो जो दस्तबरदार था US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उसके ज़रिए। हु हैज़ मेड, कहता जो जिसने बनाया, जो बना चुका है, किस चीज़ को? कोबलिंग टुगेदर को, मतलब बहुत क्विकली उसने किसी चीज़ को बनाया, और बनाया किसको? कोलिशन को, इतिहाद को, और किसका? ऑफ द विलिंग, रजामंदों का। अच्छा, ये कौन थे? ऑफ अरेब्स, अरेब्स के थे, एंड इसराइल, इसराइल के। आ सेंट्रल प्लैंक, कहता उसने ये जो कोलिशन थी जिसको उसने बहुत तेज़ी से बनाया था, उसने इसको बना दिया एक बहुत अहम पार्ट। किसका? ऑफिस फॉरेन पॉलिसी, इसकी फॉरेन पॉलिसी का। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है ये जो डेवलपमेंट, ये जो ग्रोथ, ये जो हैपनिंग नज़र आई है ना, ये अनाउंस की गई थी थर्सडे के रोज़ ट्विटर के ऊपर, और किसके ज़रिए? US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए। कहता जिसने बहुत तेज़ी से बनाया था,
कोलिशन को, इतिहाद को, रजामंदों का, और ये कौन थे? ये अरब्स थे और इसराइल थे। और कहता कि उसने इस कोलिशन को बनाया, क्या बनाया? एक बहुत अहम पार्ट अपनी फॉरेन पॉलिसी का। तो अब द डिवेलपमेंट हमारा सब्जेक्ट है, वॉज अनाउंस्ड इसकी वर्ब है। डिवेलपमेंट इसका मतलब होता है अक्रंस, किसी चीज़ का हैपन होना, ठीक है। डिवेलप करना वैसे ही होता है ना, जैसे कहते हैं वो चीज़ प्रोग्रेस कर रही है, डिवेलप हो रही है, तो इसको इसका ये भी मतलब है किसी चीज़ का हैपन होना, अक्रंस होना, वो जो सर्कमस्टांस है जो हुए हैं, जो डिवेलप हुए हैं। तो ये कौन से सर्कमस्टांसिस की बात कर रहा है? ये वालों की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, वाया का मतलब होता है बाई मीन्स ऑफ, किस चीज़ के ज़रिए उसने अनाउंस किया, उसके लिए उसने वाया लगाया है, और उसके बाद लिखा है ट्विटर, ट्विटर के ज़रिए, ट्विटर के ऊपर उसने अनाउंस किया था। अच्छा, आउटगोइंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का मतलब क्या है? डिपार्टिंग, जो डिपार्ट किया हुआ है, जो रिटायरिंग है, जो लीव किया हुआ है, जो अपनी पोजीशन से हटा हुआ है। अच्छा, अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको ज़रा तवज्जो से देखो। अच्छा, वो कह रहा है कि हु हैज़ मेड, कि उसने बनाया, वो बना चुका है, बनाया किसको है? अगर ये आप सारे एडजेक्टिव वगैरह ये चीज़ों को साइड पे रख के देखो ना, उसने बनाया है कोलिशन को, ठीक है। ये जो इतिहाद है, ये भी चीज़ छोड़ दो, ठीक है, अभी सब कुछ छोड़ दो, अभी ये कंसीडर करो कि वो कह रहा है हु हैज़ मेड, जो कि बना चुका है कोलिशन, कोलिशन को क्या? अ सेंट्रल प्लैंक ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी, मतलब उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट वो एस्पेक्ट्स हैं, उसमें से एक एस्पेक्ट उसने इसको बना दिया है, एक अहम जुज बना दिया, तो इस तरह से बना हुआ है। अच्छा, कोबलिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टू डू और मेक समथिंग क्विकली एंड नॉट वेरी केयरफुली, मतलब जल्दी जल्दी किसी काम को करना, ठीक है। कोबल टुगेदर कर देना, मतलब कोई चीज़ है, कोई काम करने को दिया है, तो वो किस तरह से करना है? केयरफुली नहीं करना, एहतियात से नहीं करना, इस चीज़ ये सोच के नहीं करना कि कोई पॉइंट मिस हो जाएगा, बस इसलिए करना है कि जल्द से जल्द इसको निपटा दिया जाए। जैसे द एसे वॉज कोबल टुगेदर फ्रॉम सम ओल्ड नोट्स, अब कोई ऐसे है, कोई स्टूडेंट है, उसको ऐसे लिखने को बोला गया, तो उसने क्या किया, अपने सर से उस काम को उतारा, उसने जल्द से जल्द कि जल्द से जल्द मैं इस ऐसे को ना कंप्लीट कर दूं, भाई जैसा भी है, गलत है, सही है, जैसा भी है। तो वो किस तरह से इसने किया है? सम ओल्ड नोट्स, कुछ पुराने नोट्स से लेकर बस खाना पूरी कर दी। कोलिशन कहता, कोलिशन का मतलब होता है यूनियन, अलायंस, इतिहाद, ये जो मिलजुल कर, ये जो इकट्ठे होना होता है ना, ये इसकी बात कर रहा है। अच्छा, प्लैंक, देखो प्लैंक किसी आर्गुमेंट का भी हो सकता है, पॉलिसी का भी हो सकता है, कैंपेन का भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये बोला जाए ना कि ये जो चीज़ है ये प्लैंक ऑफ है आर्गुमेंट, पॉलिसी या कैंपेन, तो इसका मतलब है ये उस चीज़ का ना एक अहम फीचर है, ठीक है। ये वन ऑफ द मेन फीचर्स है और प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उस आर्गुमेंट के, उस पॉलिसी के, उस कैंपेन के। द मेन प्लैंक ऑफ देयर आर्गुमेंट, कहता है वो जो उनका आर्गुमेंट था ना, उसके जितने भी अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, उसमें से ये एक मेन प्लैंक था। अ सेंट्रल प्लैंक ऑफ आवर पॉलिसी, हमारी जो पॉलिसी है उसके जितने भी फीचर्स हैं, उसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से जो एक अहम जूज है ना, वो ये है। मतलब ये रैंडम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं मैंने यहाँ पे। अच्छा, हु क्या यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ना, ये सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, और इसका जो हुम होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्ट बनने के काम आता है। मिस्टर ट्रंप हैज़ लेबल्ड, कहता है मिस्टर ट्रंप जो है ना, वो लेबल कर चुके हैं, वो ठप्पा लगा चुके हैं किस चीज़ को? इट, इसको, अ मैसिव ब्रेक थ्रू, कि ये जो इसने काम किया ना, ये कोलिशन, उसने इसको ऊपर ठप्पा लगा दिया, इसने लेबल कर दिया, टैग लगा दिया कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वाइल कहता, जहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ऑफ इसराइल, कहता ये जो बंदे थे इसराइल के चाइम टीम, उन्होंने इंटरप्ट किया, ठीक है, उसकी बात में हाँ मिलाने के लिए, किस तरह से? बाय टर्मिंग, टर्म करते हुए, नाम देते हुए, किसको? द स्कीम, स्कीम को, क्या? Another great light of peace, कि ये तो एक बहुत ग्रेट, बहुत बड़ी लाइट है, रोशनी है पीस के लिए, अमन के लिए।
तो अब वो ये बात कर रहा है कि मिस्टर ट्रम्प ने तो लेबल कर दिया, उसने ये जो कोलिशन किया था ना, इसको लेबल कर दिया कि ये तो एक बहुत मैसिव ब्रेक थ्रू है। और दूसरा, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उसने मिस्टर ट्रम्प की हाँ में हाँ मिलाते हुए चाइम्ड इन किया और ये नाम दिया कि ये जो स्कीम है ये तो बहुत बड़ी रोशनी है अमन की। मिस्टर ट्रम्प हमारा सब्जेक्ट हैज़ लेबल्ड, उसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, एक बड़ी कामयाबी भी बोल सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होना, उस चीज़ को बोलते हैं ब्रेक थ्रू। चाइम्ड इन, इसका मतलब होता है इंटरवीन करना, मुदाखलत करना, इंटरप्ट करना। लेकिन ये जो इंटरवीन होता है ना, ये जो इंटरप्ट होता है, ये जो मुदाखलत होती है, ये उस वक्त होती है जब आप उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए आप अपनी बात रखते हो कि ये जो बंदा है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो इसी तरह से मिस्टर ट्रंप ने जो बात की थी, तो ये वाले जो बेंजामिन नेतन्याहू थे, उन्होंने उसकी बात में हाँ मिलाते हुए ये वाला काम किया था। टर्म करना, लेबल करना, दोनों सेम है। इन रिटर्न, क्या था, बदले में, फॉर इस्टेब्लिश करने के टाइज को, कनेक्शन को, किसके साथ, टेल अवेव के साथ। कहता ये जो रबत हैज़ वोन, वो जीत चुका है अमेरिकन रिकॉग्निशन को। अच्छा, किसके लिए, मोरक्कन सोवरेंटी के लिए, किसके ऊपर, डिस्प्यूटेड वेस्टर्न सहारा के ऊपर। तो अब बदले में क्या चीज़ है, कहता है बदले में ना किस चीज़ के इस्टेब्लिश करने के, बनाने के, कनेक्शन को तेल एविव के साथ। तो रबत ने क्या किया है, जो मोरक्को का कैपिटल है, उसने क्या किया है, वो जीत चुका है अमेरिकन की रिकॉग्निशन को, मोरक्कन सॉवरेंटी के लिए, उसकी अथॉरिटी के लिए, पावर के लिए, किसके ऊपर, डिस्प्यूटेड वेस्टर्न सहारा के ऊपर। तो ये बात हो रही है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्क। वेयर, कहता है जहाँ पे पॉलिटिक्स इज कंसर्न, कहता है जहाँ पे इसका ताल्लुक है, मोरक्को इज़ एन आउटलायर, कहता है ये तो मोरक्को एक्सेप्शन है, ये आउटसाइडर है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट, कहता है इसलिए ये चीज़ मुश्किल है। क्या मुश्किल है, टू बी कन्विंस्ड, मानना, किसके ज़रिए, बाय द अमेरिकन एंड इसराइली, अमेरिकन और इसराइली के ज़रिए, एग्जूबरेंस, खुशी से, किसके ऊपर, ओवर द लेटेस्ट डील, नई डील के ऊपर। तो वो कह रहे हैं जहाँ पे अगर पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, मोरक्को तो आउटसाइडर है, तो इसलिए ये चीज़ मुश्किल है कि कन्विंस करना अमेरिकन और इसराइली के ज़रिए खुशी से लेटेस्ट डील के ऊपर। तो इसलिए ये जो चीज़ है ये डिफ़िकल्ट है, ये मुश्किल है टॉपिक कन्विंस्ड होने के लिए। तो अरब पॉलिटिक्स हमारा सब्जेक्ट है, इज़ उसकी वर्ब है, इज़ लिंकिंग वर्ब है, मोरक्को सब्जेक्ट है, इज़ लिंकिंग वर्ब है। आउटलायर मतलब एक्सेप्शन, ठीक है, आउटसाइडर भी बोल सकते हैं आप इसको। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। ये जो इट होता है ना, ये असल में डमी सब्जेक्ट होता है। ये जो इट हो गया, देयर हो गया, जब हमने सेंटेंस को स्टार्ट करना होता है, तो उसमें सब्जेक्ट का होना, अगर आपने वर्ब मेंशन किया तो उसके साथ सब्जेक्ट का होना बनता है, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम डमी सब्जेक्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे ये इट हो गया, देयर हो गया। एग्जूबरेंस का मतलब होता है एनर्जी के साथ, खुशी से, एंथुसियाज्म के साथ, खुशी खुशी, पूरे जोश के साथ उसको बोलते हैं। हाउएवर, ताहम अरब रिजीम्स, कहता है अरब रिजीम्स नो, वो जानती है वेल, काफ़ी अच्छे से, दैट ये कि द रोड टू वाशिंगटन गोज थ्रू टेल अवेव। कहता है अरब रिजीम जो है वो अच्छे से जानती है कि जो सड़क है ना, जो वाशिंगटन की तरफ जाती है, वो गोज थ्रू, वो होकर गुजरती है किससे, टेल अवेव से। विच एक्सप्लेन, कहता है ये जो चीज़ है ये एक्सप्लेन करती है, बयान करती है किस चीज़ को, देयर ईगरनेस, उनकी ईगरनेस को, उनकी बेताबी को, किस चीज़ के लिए, टू डिच, डिच करने के लिए, गिव अप कर देने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, देयर फलस्तीनी ब्रदर्स, ये जो उनके फलस्तीनी भाई हैं उनसे, एंड अरब कंसेंसस, कहता है और ये सारी की सारी चीज़ एक्सप्लेन करती है अरब की इत्तफाक राय, ठीक है, किसके ऊपर, ओवर द फलस्तीनी क्वेश्चन, फलस्तीन के क्वेश्चन के ऊपर, एंड एम्ब्रेस, और गले लगाती है किसको, इसराइल को।
तो वो ये बात कर रहा है, कहता है कि ताहम अरब रजीम्स जो है उसको अच्छे तरीके से ये पता है कि ये जो सड़क है ना, जो वाशिंगटन की तरफ जाती है, वो होकर गुजरती है टेल एविव से। कहता है ये जो सारी की सारी चीज़ है, ये एक्सप्लेन करती है उसकी बेचैनी को, कि इसलिए वो ईगर है, वो तैयार है डिच करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए अपने फ़लस्तीनी भाइयों से। और यही चीज़ एक्सप्लेन करती है इसकी अतफाक राय को। और वो किसके ऊपर है? फलस्तीनी क्वेश्चन के ऊपर है। और क्या करता है? गले लगाने पर है इसराइल को। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। अच्छा, विच एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करता है, ठीक है। एक्सप्लेन वर्ड किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है? उनकी ईगरनेस को। और किसको? रैप कंसेंसस, उनकी इत्तफाक राय को, उनके इकट्ठे होने पे, उसको हम जुबान होने पे। तो ये दो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है। और ओवर लगा के उसने बताया है कि किस चीज़ के ऊपर किसकी बात कर रहे हैं। डिच करने का मतलब होता है गेट रिड ऑफ और गिव अप, किसी के ऊपर गिव अप कर देना, किसी को गेट रिड ऑफ कर देना, किसी से छुटकारा पा लेना, उसको बोलते हैं डिच करना। एम्ब्रेस करने का मतलब होता है गले लगाना। मोर ओवर, मजीद, द यूएई एंड देन बहरीन। अच्छा, कौन है ये? अब ये इसने स्ट्रोंग ब्रेक डाली है अपनी बात में, बात ये कोई और करने जा रहा था, लेकिन उसने एक स्टॉप डाला है, एक ब्रेक डाली है, और ये इनके बारे में कोई बात बताएगा। विच वर द फर्स्ट अरब स्टेट्स इन डिकेड्स, कहता वो पहली अरब स्टेट्स थी डिकेड्स में, सदियों में, टू रिकोगनाइज, रिकोगनाइज करने के लिए इसराइल को। अच्छा, अब ये अपनी बात पे वापस आ रहा है इस डैश को बंद करके। वो कह रहे थे यूएई एंड देन बहरीन हैव फाउंड, वो पा चुके हैं किंडर स्पिरिट, मतलब एक ऐसी, मतलब जिसको कहते नहीं, मतलब जो फीलिंग्स उसकी हैं वही फीलिंग्स इसकी हैं। इन टेल एविव, कहता टेल एविव में, दैट ऑल्सो सीज, जो कि चाहती है कंटेन करना ईरान को, मतलब जो चाहती है ईरान को कंट्रोल करना। तो वो ये बात कर रहा है, कहता मजीद जो यूएई और बहरीन है, कहता कि जो कि पहली फर्स्ट अरब स्टेट्स थी डिकेड्स में, सदियों में, रिकॉग्नाइज करने के लिए इसराइल को, उन्होंने पाया है एक अपने अंदर एक किंडर स्पिरिट, मतलब एक ऐसा जोश, एक ऐसी स्पिरिट, एक ऐसी रूह जो कि बिल्कुल मैच करती थी इनसे, ठीक है। और किस में पाई? टेल एविव में। क्यों? क्योंकि वो भी चाहता था कंटेन करना, रोकना ईरान को। किंडर स्पिरिट क्या होता है? इसका मतलब होता है पर्सन हु हैज़ द सेम ओपिनियन, सेम फीलिंग, सेम इंटरेस्ट जैसी आप रखते हो। और वो फीलिंग्स और इनकी क्या थी? ओपिनियन कि वो भी चाहते थे कंटेन करना, कंटेन का मतलब होता है कंट्रोल करना, कर्ब करना, किसको? ईरान को। तो अब समझ आइए किंडर स्पिरिट क्या थी। तो अब ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है वो ये पड़ी हुई है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये पड़ी हुई है। मोर अरब एंड मुस्लिम स्टेट, कहता और भी ज़्यादा अरब और मुस्लिम स्टेट विल एक्सपेक्टेडली फॉलो, कहता पूरी तवक्का है वो भी फॉलो करेंगे, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। अच्छा, किस तरह से फॉलो करेंगे? पेइंग लिप सर्विस टू, मतलब ऊपर ऊपर से कहते हुए, किसको? द जस्ट कॉज, कि ये बिल्कुल सही कॉज है और फलस्तीन, फलस्तीनियों का। वाइल, जहाँ पे बुकिंग बुक करते हुए द नेक्स्ट फ्लाइट, अपनी अगली फ्लाइट को, किसकी तरफ? टेल एविव की तरफ। तो कहता है अब यहाँ पे ये क्या सिनेरियो होने वाला है? कहता है दूसरे भी अरब मुस्लिम स्टेट्स आएंगे, पूरी तवक्को है वो इसी पाथ को फॉलो करेंगे। और किस तरह से फॉलो करेंगे? ऊपर ऊपर से कहते हुए, फलस्तीन की हमदर्दी करते हुए, और साथ ही साथ ये क्या कर रहे होंगे? अपनी बुक कर रहे होंगे अपनी अगली फ्लाइट, किसकी तरफ? तेल एविव की तरफ। तो ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। अच्छा, ये पेइंग लिप सर्विस क्या होता है? अगर आप पे लिप सर्विस करते हो किसी इंसान को या किसी चीज़ को, इसका मतलब ये होता है टू से दैट यू अग्री विद समथिंग, कि जो हो रहा है फलस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, फलां चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट टू नथिंग, लेकिन कुछ भी ना करना, टू सपोर्ट इट, उनको सपोर्ट करने के लिए, ऊपर ऊपर से सिर्फ बातें करना कि हाँ हम आपके साथ हैं, हम आपकी तकलीफ में आपके साथ हैं, ये होता है पे लिप सर्विस। येट, लेकिन कहता फिर भी, द एलिफेंट इन द रूम, कहता ये जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, जो वाजिया मसला है, वो कौन है? इस सऊदी अरेबिया, वो सऊदी अरेबिया है। द एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, विच इज़ क्लियर,
जो बिल्कुल वाजिया है टू एवरीवन सबके लिए, बट एवरीवन इज अवॉइडिंग, कि सब उसको अवॉइड कर रहे हैं। अब आप कंसीडर करो, एक रूम है उसके अंदर एलिफेंट है, ठीक है, लोग अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और क्या वो उस एलिफेंट को इग्नोर करेंगे? मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि इग्नोर नहीं हो सकती, लेकिन एवरीवन इज अवॉइडिंग, सब उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो एलिफेंट कौन है इन द रूम? सऊदी अरेबिया है। देयर हैज़ बीन फर्वेंट मीडिया स्पेक्युलेशन, कहता वहाँ पर बड़ी पुरजोश स्पेक्युलेशन है, गैस हो रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, कोवर्ट के सीक्रेट जो है ना, सऊदी इसराइली मीटिंग्स, ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं, कहता। अब ये देखो सेमी कॉलन, अब उसके बाद दूसरी बात कहता, वन रिपोर्ट, एक रिपोर्ट एवन सेट कह चुकी है मिस्टर नेतन्याहू फ्लू, वो फ्लू कर चुके हैं नॉर्थन सऊदी अरेबिया, किस चीज़ के लिए, फॉर क्लैंडेस्टीन, मतलब एक खुफिया पैरालिस मीटिंग के लिए, किसके साथ, विद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इसके साथ। तो अब कह रहा है, कहता है कि वहाँ पे मीडिया में ना बड़ी पुरजोश गैस चल रही है, स्पेक्यूलेशन चल रही है इस चीज़ के ऊपर के सऊदी इसराइली मीटिंग्स हो रही हैं कोवर्ट तरीके से, मतलब छुपी हुई कंसील्ड मीटिंग्स हो रही हैं। कहता इवन के वन रिपोर्ट जो है उसने ये कहा है कि मिस्टर नेतन्याहू जो है ना वो सऊदी अरेबिया चले गए हैं एक खुफिया मीटिंग के लिए, किसके साथ, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ था। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फर्वेंट का मतलब होता है हैविंग, रखना, और शोइंग, दिखाना, ग्रेट वार्म्थ और इंटेंसिटी ऑफ स्पिरिट, फीलिंग, एंथुसियाज्म। तो ये कैसी स्पेक्युलेशन है जो बहुत ही पुरजोश है, ठीक है, जिसमें बहुत ही स्पिरिट है, बहुत ही हाई इंटेंसिटी है। तो ये उन फीलिंग, उन स्पेक्युलेशन की बात कर रहा है। कोवर्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंसील्ड, छुपा हुआ, हिडन, कैमोफ्लोज्ड, इन सब का मतलब होता है वो चीज़ें जो छुपी हुई हों, वेल्ड भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, वेल नकाब को बोलते हैं, अगर वेल्ड कहें तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा जिसका मतलब होता है छुपा हुआ। फिर सब्जेक्ट, फिर इसकी वर्ब, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। अच्छा, क्लैंडेस्टीन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है सीक्रेट, ठीक है, कोवर्ट भी बोल सकते हैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये सिनोनिम्स हैं, बिहाइंड द सीन्स, सीन के पीछे, पर्दे के पीछे, ये जो छुपकर ये जो काम हो रहे हैं ये उनकी बात कर रहा है, और काम किया है पैरालाइज है, मतलब मीटिंग्स हैं, डिस्कशंस हैं। द सऊदीज हैव ऑफिशियली डिनाइड दिस, कहता है जो सऊदीज हैं वो डिनाई कर चुके हैं इस चीज़ को, एज इट इज़ अ सेंसिटिव मैटर, ये तो बड़ा सेंसिटिव मैटर है, ये बड़ा हसास मामला है। कहता किस तरह से, कहता विद द किंगडम, किंगडम के साथ, कौन सा किंगडम, जो होस्ट करता है, मेज़बानी करता है इस्लाम्स होलीस्ट सिटीज़ की। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये जो सऊदीया है ना, उसने ऑफिशियली तौर पर इन सब बातों से, ये जो स्पेक्यूलेशन हो रही थी, जो फर्वेंट थी, उनको डिनाई कर चुका है। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर है। इनफैक्ट, कहता दर हकीकत, सीनियर सऊदी प्रिंस तुर्की बिन फैसल वॉज हाईली क्रिटिकल, कहता ये जो थे ना, ये बिल्कुल प्लीज नहीं थे, खुश नहीं थे ऑफ इसराइल से एट अ रिसेंट समिट, एक बहुत बड़ी टॉप मीटिंग में इन बहरीन में। कहता विद द इसराइल फॉरेन मिनिस्टर, कहता इसके साथ, और ये कौन है जो कि अटेंड कर रहा था रिमोटली, मतलब दूर से। तो कह रहा है दर हकीकत जो सीनियर सऊदी प्रिंस तुर्की बिन फैसल है ना, वो बिल्कुल प्लीज नहीं थे, वो खुश नहीं थे इसराइल के को लेकर। कहता हालिया मीटिंग में जो कि बहरीन में हुई थी, और कहता ये किस तरह से हुई थी, कहता इसराइली जो फॉरेन मिनिस्टर थे जो कि अटेंड कर रहे थे रिमोटली फासले से। तो ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। क्रिटिकल का एक मतलब होता है नॉट प्लीज्ड, खुश ना होना। समिट का मतलब होता है टॉप मीटिंग, सबसे बड़ी मीटिंग जो होती है, मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है, वो मीटिंग होगी। ये छोटी छोटी मीटिंग नहीं होगी कि फिलहाल फ्रेंड्स मिल गए हैं तो जी एक मीटिंग हो जाएगी, उसको नहीं समिट बोलते, तो मतलब बड़ी मीटिंग को बोलेंगे। रिमोटली, इसका मतलब होता है फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब ऑनलाइन। दिस शोज, कहता है ये जो चीज़ है ना, ये दिखाती है दैट, ये कि इवन विद इन सऊदी अरेबिया, कहता है यहाँ तक के सऊदी अरेबिया के अंदर देयर इज़ अ रेजिस्टेंस, वहाँ पे रेजिस्टेंस है, किस चीज़ की, टू एम्ब्रेसिंग, गले लगाने की इसराइल को फुली मुकम्मल तौर पर। कहता है विदाउट, किसके बगैर, एन इक्विटेबल, एक जस्ट, एक फेयर सोल्यूशन के, और सोल्यूशन किसका है, हल किसका, फलस्तीन क्वेश्चन का। अब देखो, इसने ये बात की थी ना
कि ये वाला जो इंसान है ये खुश नहीं है, तो ये वाला जो पर्सन है ना ये वहाँ की रेजिस्टेंस है। तो वो कह रहा है कि ये चीज़ दिखाती है कि सऊदी अरेबिया में अभी भी रेजिस्टेंस मौजूद है, अभी भी कोई इंसान ऐसा है जो वहाँ पे, जिसको कहते नहीं है, वो खड़ा होकर ये बोल सकता है कि मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। तो वो क्या चीज़ है? वो रेजिस्टेंस है, वो रुकावट है उनकी, किस चीज़ के लिए? गले लगाने के लिए इसराइल को फुली मुकम्मल तौर पर, कहता बगैर किसके उस सलूशन के जो बिल्कुल फेयर होगा, और किसके साथ? फ़लस्तीनी क्वेश्चन के साथ, फ़लस्तीन के सवाल पर। इक्विटेबल का मतलब होता है फेयर जस्ट, जो बिल्कुल फेयर हो, जो बिल्कुल जस्ट हो। तो ये देर लगा हुआ है, क्या हुआ? इन्वर्जन बनी हुई है। दिस सब्जेक्ट शोज उसकी वर्ड रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावट। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।